वेलकम माई YouTube फैमिली। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैंड एम्ब्रॉयडरी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो उस कुर्ती को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले मिरर लिए है, उसके बाद यहाँ पे मैंने रेशम सिल्क थ्रेड ले लिया है येलो कलर में, और इसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू ले लिया है कॉन वाला, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है इस तरह से सैटन का, तो रेड कलर में मैंने सैटन का हैवी फैब्रिक ले लिया है अच्छी वाली सैटन में। तो चले अब सबसे पहले इस कुर्ती को मैं फोल्ड करके बिछा लूँगी। तो मैंने कुर्ती को यहाँ पे फोल्ड करके बिछा लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको सीधा करके बिछाया है। नॉर्मल अगर हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो हम फैब्रिक को उल्टा करते हैं, तो मुझे इसको डिज़ाइन करना है, मैंने इसको सीधा करके बिछाया है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ मैं यहाँ पे लॉन्ग रखने वाली हूँ, तो इसकी लेंथ यहाँ पे मैंने ले ली है इस तरह से 45 इंच। तो 45 इंच पे मैं इसको स्ट्रेट कर दूँगी नीचे से। सो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट मार्क कर दिया है, और इसके बाद यहाँ से ऊपर से भी मैं इसको स्ट्रेट मार्क कर दूँगी ताकि जो हमारा कॉर्नर से वो कट हो जाए यहाँ पर। इसके बाद शोल्डर को ले लूँगी मैं यहाँ पे 7 इंच पे, शोल्डर को मार्क कर दिया है। इसके बाद आमोल 8 इंच, तो शोल्डर से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है आमोल को, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया। इसके बाद मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है यहाँ से भी। इसके बाद यहाँ से मैं ब्रेस्ट ले लूँगी इस तरह से यहाँ पे 11 इंचज़ पे, तो मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट को 11 इंचज़ पे मार्क कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको आमोल की शेप दे दूँगी इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाला आमोल लेने वाला है। थोड़ा सा अंदर को इसको मैंने डीप मार्क कर दिया है फ्रंट वाले आमोल को। सो इस तरीके से यहाँ पे मार्क हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको मार्क करूँगी 7 इंच पे, तो ये 7 इंच पे मार्क किया, 7 इंच के बाद 12 इंच पे मार्क कर दूँगी मैं यहाँ पे इसको। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको मार्क कर दूँगी इस तरह से 10 इंच पे, और यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ से रखूँगी मैं इसको 11 इंच पे ही, जितना मैंने ऊपर से रखा है। वेस्ट को मैंने 11 इंच पे लिया है, और नीचे का बॉटम भी 11 इंच पे ही रखना है। तीनों जगह से 11 इंचज़ पे मार्क किया, और इसके बाद यहाँ से मैं इस तरह से मार्क को मिला दूँगी अच्छे से। इसके बाद यहाँ से मैं इंच टेप की हेल्प से इसको इस तरह से स्ट्रेट कर दूँगी, तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है। इसके बाद नेक की जो विड्थ है वो मैंने ली है 4 इंचज़, इसके बाद नेक की लेंथ ले ली है 5 इंचज़, तो ज़्यादा डीप नहीं बनाने वाली, अगर आप डीप चाहे तो 6 इंच पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है, इस तरह से फ्रंट वाला नेक रहने वाला है ये हमारा। इसके बाद यहाँ पे मैंने शोल्डर को 1 इंच का डीप कर दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा मैंने 4 इंच का हमारा शोल्डर आएगा है, तो मैंने इसको हाफ लेते हुए इसको मार्क कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे इंच टेप को बिल्कुल स्ट्रेट रखूँगी, और स्ट्रेट रखते हुए सी की बराबर बराबर से जस्टली मैं इसको स्ट्रेट मार्क कर दूँगी। सो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेट मार्क कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको आयरन कर लूँगी ताकि हमारी यहाँ पे इसकी लाइन हमें शो हो, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे आयरन कर लूँगी। तो लाइन हमें बनानी है बिल्कुल अच्छे से, इसको बिठा देना है बीचों बीच, इसी तरह से बिठाते हुए इसको आयरन कर लेनी है। सो यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर दी है इस तरह से, और आयरन करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगी। अब ओपन करते हुए मैं इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से बिठा लूँगी गाइस। सो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से दूसरी साइड पे भी अच्छे से इस मार्क को कर लूँगी। तो हमें फ्रंट एंड बैक को बैक पार्ट को दोनों को साथ में ही मार्क करना है ताकि हम जब इसको वर्क करें तो हमें साइडों पे इसके कपड़ा ना जोड़ना पड़े, तो ऊपर में ही कपड़ा जोड़ने पड़ेगा हमें, तो इसीलिए मैंने इसको दोनों पार्ट को एक साथ ही मार्क कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से मैंने मार्क कर दिया है, तो हमारा थोड़ा थोड़ा सा शो हो रहा था तो मैंने इसको डार्क करके आपको दिखाया है। अब यहाँ पे ये हमारा बैक वाला पार्ट रहने वाला है, तो फैब्रिक हमें नीचे की साइड पे जोड़ना नहीं पड़ेगा अगर हम दोनों को एक साथ मार्क कर लेते हैं, ऊपर की साइड पर हमें फैब्रिक जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी फैब्रिक इसमें यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसमें ब्लैक फैब्रिक इस तरह से स्टिच लगा दिया है, इसको मैंने इसमें जोड़ दिया है। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे मैं इसको फ्रेम ले लूँगी, तो फ्रेम में मैं इसको ऐड करूँगी, उसमें मैं इसको सेट कर लूँगी अच्छे से, तो मैं फैब्रिक को हटा दूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्टैंड ले लिया है, आप इसको स्टैंड भी बोल सकते हो, सभी के पास होता है, आई होप आपके पास भी होगा। तो आप इस तरह से इसको फ्रेम में अच्छे से सेट कर सकते हो। इसके बाद मैंने सेट कर लिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ले लिया है इस तरह से कॉन वाला वही, और यहाँ पर मैंने इसको इसमें लगा दिया है इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद मैंने वही मिरर लिए हैं, और जहाँ पे मैंने इसको लगाया है ग्लू को उन्हीं पे आपको इसको इस तरह से मिरर को ऐड कर देना है। तो इस तरह से ग्लू लगाते जाना है, और मिरर को एक एक करके इसमें इस तरह से ऐड कर देना है नेक से। तो सबसे पहले हम नेक को ही वर्क करेंगे, बाद में जो हमने साइड पे लाइनें बनाई हैं इनको भी मैं वर्क करने वाली हूँ। सो यहाँ पर एक एक करके मिरर को पूरे नेक पर ऐड कर देना है गाइस।
तो यहाँ से मैं वीडियो फास्ट कर देती हूँ, तो यहाँ तक कि आपको आई होप समझ भी आया होगा गाइस। तो अभी मैं वीडियो को कर दूँगी थोड़ा फास्ट और मैं आपको दिखाती हूँ पूरे नेक को ये मिरर लगा करके। सो मैंने इसको ये मिरर लगा दिए हैं गाइस। अब यहाँ पे मैं सेकंड लाइन बनाऊँगी, तो सेकंड लाइन को आपको यहाँ से बनाना है, इसके जो बीच वाली हमारी जगह बची हुई है यहाँ से आपको इसमें ऐड करने हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारी थर्ड लाइन रहने वाली है, थर्ड लाइन हमारी रहेगी इस तरह से ऊपर से, तो इसको मैं ऊपर से इसमें ऐड करना स्टार्ट करूँगी। तो ग्लू को लगा लूँगी और इसके बाद जहाँ जहाँ पर ग्लू लगाया है वहीं पर इसमें मिरर ऐड करूँगी। सो मैंने ग्लू ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ पे लगाया है वहीं पे मैं इसको मिरर लगा लूँगी। मिरर लगाने के बाद मैं इनको अच्छे से सुखा लूँगी गाइस। तो आप इनको थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हो ऐसे ही अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप इसको हैंड टू हैंड इस तरह से सुखा सकते हैं अच्छे से, फ़ैन के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं कुछ देर के लिए। तो मेरे पास इस ड्रेस में इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसको हैंड टू हैंड सुखाया और इसके बाद ही मैंने इसको वर्क करना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से सुखा लिया है कुछ देर के लिए गाइस, इसके बाद मैं इसको वर्क करना स्टार्ट करूँगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ नेक को बना दिया है इस तरह से, और नेक को बनाने के बाद यहाँ पे मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको थोड़े से कोने से मिरर के निकालना है इसको थ्रेड को। तो मैंने यहाँ पे मोटे वाला थ्रेड लिया है गाइस, हैवी साइज़ में, तो आप चाहो तो बारीक वाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से निकालना है, तो 4 से 5 बार आपको नीचे की साइड पे निकालना है, फिर बीच में थोड़ा स्पेस रखना है, उसके बाद ऊपर की साइड पे निकालना है। तो बहुत ही मैं आपको क्लियरली इसमें समझाने की कोशिश करूँगी। तो सिंपल सा ड्रेस रहने वाला है, तो आप ज़रूर से इस ड्रेस को ट्राई करें गाइस, पार्टी वियर सिंपल ड्रेस रहने वाला है आप, या फिर आप इसको डेली वियर में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ऊपर की साइड में मैंने इस तरह से निकाल लिया है, बीच से थोड़ा सा स्पेस रखा है, और इधर से भी मैं सेम इसी तरह से इसको टांके लगाते जाऊंगी। तो 2-3 मिरर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी, तो यहाँ आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। कोई बारीक बारीक भी काम नहीं है, तो आप इसको इजीली बना सकते हो, लेकिन गाइस टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, और टाइम तो लगेगा ही, लेकिन ड्रेस भी हमारा इतना ही ब्यूटीफुल ये लगने वाला है। तो मैंने इसको रेड कलर पे येलो कलर का वर्क किया है, तो आप चाहें तो कोई भी कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं एक बन करके रेडी हो गया है। अब मैंने सेकंड वाले को इसी तरह से कर लेना है, तो मैंने वीडियो को यहाँ से कर दिया है फास्ट, क्योंकि गाइस इतना बारीक काम नहीं है जो आपको समझना है। तो आई होप आपको समझ भी आ गया होगा गाइस यहाँ तक के। तो यहाँ से मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है इस तरह से, और इसको भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला भी बन के रेडी हो गया है, सेम इसी तरह से थर्ड वाले को कर लूँगी, और इसके बाद फाइनल हमारा नेक रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब जो मैंने साइड पे मार्क किया था वहाँ पे भी मैं इसको वर्क करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ग्लू लगाऊंगी उसी लाइन पे, तो मैंने यहाँ पे इसको लाइन पे ग्लू लगा लिया है, तो अच्छे से पूरी लाइन को मैं इसको ग्लू ऐड कर दूँगी। इसके बाद वही मिरर मैंने ले लिए हैं और एक एक करके मिरर को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ऊपर मैं 7 मिरर में ऐड करूँगी, 7 मिरर के बाद मैं इसको यहाँ पे बनाऊँगी इस तरह से, देख सकते हैं 7 मिरर ऐड करने हैं, और 7 के बाद यहाँ पे इधर पे मैं इसको ग्लू लगा लूँगी, और नीचे में मैं इसी तरह से इसको लाइन ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्लू लगा लिया है, इसके बाद एक मिरर इधर लगाऊंगी और एक मिरर इधर लगाऊंगी, इस तरह से हमारा यहाँ पे फ्लावर बन जाएगा। तो ऊपर से मैंने 7 मिरर छोड़ते हुए किया है, और नीचे से यहाँ पर मैं इसको 5 मिरर छोड़ते हुए करूँगी इस तरह से, देख सकते हैं। अगर आप हम फ्लावर के यहीं से लें तो यहाँ से हमारा 5 मिरर बचते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह से इसको बनाते जाऊँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एक मिरर इधर और एक इधर इसमें ऐड कर दिया है, ऊपर से 7 मिरर छोड़े हैं और यहाँ से मैंने इसको 5 मिरर छोड़े हैं इस तरह से, देख सकते हैं आप। इसके बाद इसको भी मैं इसी तरह से वर्क कर लूँगी, निकाल लूँगी इसको भी मैं इसी तरह से गाइस। तो वीडियो मैंने यहाँ से फास्ट रखा है, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले भी बताया है ज़्यादा बारीक काम नहीं है, ईजिली आप इसको कर सकते हो। टाका इधर से इधर बस आपको निकालना है, और बहुत ही परफेक्ट हमारा ये डिज़ाइन बन करके रेडी होगा। तो मैं थोड़ा सा और आपको करके दिखा देती हूँ, इसके बाद फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का हमारा बन करके ये आता है। तो पूरे फ्लावर को मैं यहाँ पर रेडी कर लेती हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं इसको पूरे के कम्प्लीट कर लूँगी गाइस। सो
यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है फाइनल। आप देख सकते हैं हमारा इस तरीके से लुक आया है फ्रंट वाले बॉटम का। तो नीचे में भी हमारे फ्लावर कुछ इस तरह से आए हैं और हमारा वन वन मिरर नीचे की साइड पर रहने वाला है। इस तरीके से पूरे बॉटम को रेडी कर लेना है। और इसके बाद जो मैंने इसमें फैब्रिक इस तरह से ऐड किया था, उस फैब्रिक को मैं इसमें से रिमूव कर दूँगी, स्टिच हटा दूँगी मैं इसकी। इसके बाद ही हमारा फ्रंट वाला बॉटम रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ से मैं फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करके बिछा लूँगी। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। अब तो सीधा करके ही मैं इसको फोल्ड करके बिछाऊंगी गाइज। इस तरह से जो हमारी आयरन वाली लाइन थी, तो मैंने आयरन वाली लाइन को इसीलिए दिया था गाइज, तब भी हम इसको इस तरह से बिछाएं तो हमें ईजीली ये हमें बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा मार्क शो हो रहा है वहीं में से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। सो यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब जो नीचे से हमारा फोल्ड में जाएगा वहाँ पे मैंने इसको इस तरह से नोचेस दे दिए हैं और यहाँ से स्लाइड के पास भी मैंने नोचेस दे दिए हैं, यहाँ तक कि हमारी वेस्ट रहने वाली है। तो ये हमारा हो गया है फ्रंट वाला पार्ट। और इसके बाद बैक वाले पार्ट को मैं इसमें से हटा दूंगी और फ्रंट वाले पार्ट को मैं इस तरह से रख लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये उल्टे की साइड पे वर्क आया है। तो मैंने इसको सीधा करके बिछा लिया है। अब इसके नेक को रेडी करूँगी मैं। तो नेक को मैं ऑलरेडी यहाँ पर सेट करके इस तरह से मैंने फैब्रिक पर सेट कर लिया है इसको। और फैब्रिक पे सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगी। इसी के साइज़ का मैंने नेक कट किया था, तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिचिंग लगा दी है। स्टिचिंग लगाने के बाद मैं इसको रॉन्ग साइड पे टर्न कर लूँगी और टर्न करने के बाद मैं इसको कच्चा स्टिच नहीं लगाऊंगी, तो मैं इसको हैंड टू हैंड यहाँ पर करूँगी गाइस, तुरपाई कर लूँगी। तो मैं इसको नीडल की हेल्प से इसको हैंड स्टिच करूँगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर इसको लगा दी है सेफ्टी पिन। अब जो हमारा फ्रंट वाला डीप था तो मैंने उसको डीप कट कर दिया है इधर से। इसके बाद मैं इधर से भी इसको डीप कट कर दूँगी। तो ये हमारा फ्रंट वाला अमोल रहने वाला है। तो मैंने दोनों साइडों से इसको कट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं बैक वाले नेक को रेडी करूँगी। तो बैक वाला नेक यहाँ पे मैं बनाऊँगी इस तरह से। तो मैंने चकोर नेक को कट कर लिया है, तो ग्लास वाला नेक भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 18। तो मैं डीप रखने वाली हूँ बैक वाले नेक को, तो 2 इंच पर मैं इसको मार्क करूँगी। नेक मैंने 8 इंच ली है और विड्थ मैंने सेम फ्रंट वाले के अकॉर्डिंग ही रखी है गाइस। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 इंच पर मार्क किया। 2 इंच पर मैं इसको यहाँ पर लगाऊँगी इस तरह से, बंद लगा लूँगी गाइस। तो मैं डोरी तो नहीं लगाऊंगी, तो मैं इसको इस तरह से बंद लगाऊंगी। आप चाहे तो इसमें डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पे मैंने मार्क किया है नेक को, नेक के नीचे रखते हुए वहीं पे बंद को रख लूँगी। इसके बाद स्टिच लगा लूँगी। सो मैंने इसको स्टिच लगा ली है। अब इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक बचाते हुए। तो मैंने इसको कट कर दिया है, फैब्रिक मैंने हटा दिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। इसके बाद मैं इसको अंदर की साइड पर टर्न करते हुए कच्चा स्टिचिंग लगा लूँगी, क्योंकि गाइस इसको भी मैं नीडल की हेल्प से हैंड स्टिच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कच्चा स्टिचिंग लगा लूँगी फ्री साइज़ की। सो मैंने इसको फ्री साइज़ की स्टिचिंग लगा ली है गाइस। बंद हमारे इस तरह से बंद आ जाएंगे इसमें बंद करके। इसके बाद यहाँ पे मैं फ्रंट वाला पार्ट ले लूँगी, दोनों पार्ट को मैं इसमें जॉइंट कर लूँगी शोल्डर से स्टिच लगाते हुए। तो मैंने शोल्डर पे स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद मैं स्लीव्स को रेडी करूँगी। तो स्लीव्स को मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर लिया है गाइस। ये देख सकते हैं आप, दोनों साइडों से हमारी इस तरह से आ रही है, बीच से थोड़ा सी जगह छोड़ते हुए आपको दोनों स्लीव्स को एक साथ इसमें वर्क कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इसको कटिंग करूँगी गाइस। हमारी दोनों स्लीव्स इस तरह से आ जाएगी, नीचे से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक हमारा फोल्ड का रहने वाला है। जितनी मोरी रखनी है उतना ही आपको इसको वर्क करना है, मार्क कर लेना है पहले, उसके बाद ही वर्क करना है। तो स्लीव्स की लेंथ हमारी यहाँ पे आ रही है 20 इंचेस, तो 1 इंच हमारा नीचे से मार्जिन में भी जाएगा गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मार्क किया ऊपर से 9 इंच पे, उसके बाद यहाँ से 2 इंच का डीप किया और यहाँ से 2 इंच हमारा रहने वाला है मार्जिन का, इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद यहाँ से नीचे से इसकी मोरी ले लूँगी मैं 6 इंच की, तो 6 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ से दोनों मार्क को इस तरह से मिला दूँगी। तो मैंने दोनों मार्क को मिला दिया है। अब जहाँ जहाँ पे मार्क किया है वहीं वहीं से मैं इसको कट कर लूँगी। सो मैंने इसको कट कर दिया है स्लीव्स को और बीच में मैं इसको यहाँ पे नोचिस लगा दूँगी। तो स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई है और जो नीचे से जॉइंट है यहाँ से भी इसको कट कर दूँगी। अब इसके बाद नीचे से मैं इसको हैंड टू हैंड तुरपाई कर लूँगी गाइस। तो इसको मैं तुरपाई करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने स्लीव्स को तुरपाई कर ली है गाइस, क्योंकि अगर हम इसको फोल्ड करते तो हमारी मशीन इस पर चल नहीं पाती। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने कुर्ती को उल्टा करके बिछा लिया है शोल्डर को दोनों को जॉइंट करने के बाद। इसके बाद स्लीव्स ले ली है। आप चाहो तो स्लीव्स की फ़िटिंग और कुर्ती की फ़िटिंग पहले लगा सकते हो, बाद में स्लीव्स को इसमें जॉइंट कर सकते हो, या फिर स्लीव्स पहले जॉइंट करने के बाद दोनों को हैंड टू हैंड आप फिटिंग लगा सकते हैं स्लीव्स को भी और कुर्ती को भी। तो मैं इसमें पहले स्लीव जॉइंट करूँगी, इसके बाद फिटिंग की स्टिचिंग लगाऊँगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो नोटिस दिए थे नीचे में, इतना ही मैं बॉटम को फोल्ड कर लूँगी। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं फाइनल इसको तुरपाई करूँगी गाइज।
नेक को भी और स्लीव्स को भी, स्लीव्स को मैंने कर ली है ऑलरेडी, और इसके बाद मैं बॉटम को भी तुरपाई करूँगी दोनों को फोल्ड करने के बाद। इसके बाद साइडों से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। तो फोल्ड करने के बाद इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तुरपाई के साथ कुर्ती का फाइनल लुक, तो किस तरह से हमारी कुर्ती बन करके रेडी हुई है। तो आप देख सकते हैं सिंपल सी हमारी कुर्ती इस तरह से आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड करने के बाद बॉटम से इस तरह से हैंड स्टिच भी कर दिया है। तो सिंपल सी हमारी कुर्ती इस तरह से कुछ बन करके आई है, पार्टी वेयर कुर्ती। आप इसको पार्टी वगैरह में भी वेयर कर सकते हो या फिर आप इसको होम के लिए डेली वेयर में भी बना सकते हैं। तो सिंपल सी कुर्ती रहने वाली है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने इसके साथ प्लाजो वेयर किया है इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखिएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।